हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका थिंक सेंगविन के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग काइनेमेटिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को लेकर बच्चों में बहुत सारे कन्फ्यूजनें होती हैं कि हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को बहुत ही सिंपल तरीके में कैसे लिख पाए, उसको लिखने में बहुत ही परेशानी होता है। तो आज हम लोग जो है यही इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को सिंपल से सिंपल है बेस्ट पॉसिबल वे में इनको सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी आप पढ़े होंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें आपका जो पास होता है ना प्रोजेक्टाइल का, वो होता है पैराबोलिक, होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं ट्राजेक्टरी। तो आज हम लोग उसी का इक्वेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो किस क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बातें हैं, बहुत बहुत आसान सी बातें होंगी। देखिए, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, जब आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो इस प्रकार से पार्टिकल जाएगा, ठीक है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, ठीक है। तो आप जो है जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे कुछ ना कुछ वेलोसिटीज करोगे। लेट सपोज वेलोसिटी कितना है यू वेलोसिटीज, हम लोग क्या कर रहे हैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आप पार्टिकल प्रोजेक्ट करोगे कुछ ना कुछ एंगल थीटा पर भी तो जरूर करोगे, बिल्कुल करोगे, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए कि ये ओ है, ये क्या है बताओ ए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रेंज नहीं निकालने वाले, हम लोग जो क्या है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ये जो पाथ होगा ये कैसा है बताओ, पैराबोलिक पाथ है। इसी पैराबोलिक पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं ट्राजेक्टरी, क्या बोलते हैं ट्राजेक्टरी। तो आज हम लोग इसी पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आगे बढ़ने से पहले ये सीख लें कि ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है क्या। यथावत आप लोग समझ गए कि ये ट्राजेक्टरी क्या है, ये पैराबोलिक पाथ, इसी क्या बोल रहे हैं हम लोग ट्राजेक्टरी बोल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, देखिए किसी चीज का हम लोग इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि हम लोग एक्स वाई में एक रिलेशन निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग एक्स वाई में एक रिलेशन ही निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में खास बात यह होगी कि इसमें टाइम, वो जो एक्स वाई में रिलेशन होगा ना वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, तो हम लोग उतना ही करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जस्ट लाइक मान लीजिए कि अगर हम किसी पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ समय बाद यहाँ पहुंचेगा वो ग्राउंड के पास। यहां से आता तुमको, आप लोगों को पता होगा ये क्या है रेंज है, ठीक है। तो हम लोग जो है इक्वेशन निकालना है तो किसी भी पॉइंट पर, जैसे सपोज मान लीजिए यही पॉइंट है, ठीक है, किसी भी टॉप पॉइंट पर, तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद यहाँ पार्टिकल पहुंचेगा ना। तो किसी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं पता है, इसका इक्वेशन निकाले, मान लीजिए टी इक्वल टू टी पर एंड टाइम टी इक्वल टू क्या बताओ टी पर हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। मान लीजिए इसका कुछ, आप बताइए, देखिए इधर एक्स है, इधर क्या है बताओ वाई है, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो जरूर होगा। तो मान लीजिए सपोज इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ओके। अगर एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है तो आप लोग बताइए, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, ज्यादा हम इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। हम सिंपल से तरीके से इसको आज हम प्रूफ करने वाले हैं। देखिए तो यहां से लेकर यहां तक किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको पता है ये वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब आपको याद होगा, देखिए हम लोग रेंज निकालते हैं, आपको ये भी पता है, देखिए अगर यू फेंक रहे हैं एंगल थीटा पर है, इसके एक्स डायरेक्शन में कितना होगा तो यू कॉस थीटा होगा, आपको याद होगा। उसके बाद क्या है, इसका x कंपोनेंट का एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा, मींस x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन इस पार्टिकल के पास नहीं होगा। उसी प्रकार से यू वाई क्या देगा, ये देगा यू साइन थीटा, क्या देगा यू साइन थीटा देगा। फिर क्या ए वाई का मान इसमें देखो क्या होगा, यानी y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। अब कौन सा एक्सेलेरेशन होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज हम ऊपर पॉजिटिव माने हैं तो जी किधर लगेगा, नीचे क्यों लगेगा, तो ये क्या देगा बताओ, ये देगा हम लोग को माइनस जी लेकर, ठीक है। अब देखिए x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है u cos थीटा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मान लीजिए कि इस पॉइंट तक का रेंज निकाल, देखिए अगर मान लीजिए हमको प्रोजेक्टाइल का रेंज निकालना है, क्या करते हैं x डायरेक्शन के वेलोसिटी को किसी गुना करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना करेंगे तो रेंज निकल जाएगा। उसी प्रकार से देखिए हमको अगर इक्वेशन निकालना है तो हम किसी पॉइंट कंसिडर किए इस जगह पर, इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, ठीक है। तब मान लीजिए कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से लेकर इस इतना दूर का रेंज निकाल ले, इतना दूर का रेंज मींस क्या हुआ, एक्स बराबर क्या होगा यू कोस थीटा इनटू क्या भाई, यहां से अगर समय कितना लगा टी, यहां से टी आ गया बोलो, तो यहां से हम निकाल सकते हैं टी बराबर क्या आएगा, यहां से टी बराबर आएगा एक्स बट्टा यू कोस थीटा। तो एक रिलेशन निकला, आगे चल के मेरा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये निकल गया
एक्स बराबर क्या है, टी बराबर क्या है, एक्स बटा यू कोस थीटा अगेन। अब देखिए इसके हम ये एक्स डायरेक्शन बात किए, अब वाई डायरेक्शन में बात करते हैं, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा है, एक्सेलेरेशन कितना है, माइनस जी दिख लग रहा है, ठीक है। अब आओ आप लोग याद होगा एस बराबर क्या होता है, ये होता है आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम बात किस में कर रहे हैं, वाई कंपोनेंट बात कर रहे थे, यहाँ क्या लेंगे एस वाई यू वाई और क्या होगा ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए एस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है बताओ, वाई दे रखा है, यानी वाई आ गया बराबर यू वाई, यू वाई कितना दे रखा है देखो यू साइन थीटा, कितना दे रखा है यू साइन थीटा। अब ए वाई का मान माइनस जी, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हाफ जी और क्या हो जाएगा देगा बताओ टी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहां भी टी होगा आपका, ठीक है। तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हुआ। अब देखो आपको क्या बोले, इक्वेशन ट्राजेक्टरी में क्या होगा, एक रिलेशन आएगा एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा, लेकिन वो जो रिलेशन होगा ना वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाई आ गया, इधर हमको एक्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा इस टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, नहीं। अब देखिए इस टी को एलिमिनेट करने के लिए क्या कोई रिलेशन आपके पास है, हाँ आपके पास एक रिलेशन है, क्या है देखो टी बराबर एक्स बटा क्या यू कॉस थीटा। देखिए हम यहां आगे चलते हैं, ठीक है। तो वाई बराबर क्या होगा u साइन थीटा ओके इंटू टी, टी का मान कितना देखो x बटा u cos थीटा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए माइनस हाफ g, अब फिर देखिए टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये x है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कटेगा, हाँ तो ये कट जाएगा, देखिए तो यहां से y का मान कितना आएगा देखो साइन बटा कोस टेन देगा, यानी क्या हुआ x टेन थीटा माइनस, अब देखिए ये ऊपर गुना हो जाएगा ना, यानी जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए यही है क्या पता है आपका ट्राजेक्टरी का इक्वेशन, ठीक है। देखिए यानी y बराबर कितना यार x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स जो है एग्जामिनर जो है, ठीक है, कुछ बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इसी को एक नया रूप में लिख देता है, ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में, चलो हम भी उसको लिखते हैं, ठीक है। तो वो कुछ है नहीं, उसमें एग्जामिनर करता क्या है कि वो जो है ना यहाँ पर आपको रेंज दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन में, तो वो रिलेशन कैसे निकलेगा आगे हम निकालते हैं। देखिएगा गौर कीजिएगा, जैसे यहां से अब क्या है बताओ y बराबर x tan थीटा, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर बट्टा टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा है वैसे लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या किए, ऊपर नीचे ना साइन से गुना कर दो, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, जब ये करोगे तो देखो क्या आएगा, गौर करना, यहां से आएगा देखिए एक्स टेन थीटा माइनस, अब देखो साइन अब बट्टा एक कोस ले लो, एक यहां दो कोस है तो एक कोस ले लीजिए, साइन बटा कोस क्या देगा टेन देगा, क्या देगा बताओ टेन देगा, तो यहां से कितना आएगा देखिए जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा, साइन बटा कोस क्या देगा टेन थीटा। अब देखिए बच क्या आ गया, यू स्क्वायर बनाने दीजिए, अब यू स्क्वायर क्या बचेगा टू, सॉरी सॉरी यहां भी साइन होगा गलती से लिखा गया, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, एक साइन इक्वल टेन आ गया, अब देखिए क्या होगा टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो एक कोस चला गया बच, एक कोस बच गया एक साइन बच गया, क्या हुआ यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब यहां टू हो जाएगा, ठीक है, टू टू साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बताओ कोस थीटा। अब गौर कीजिएगा, देखिए आपको याद होगा टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है साइन टू थीटा, तो यहां से रिलेशन क्या है देखिए एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर साइन टू थीटा। देखो अब एक चीज आपको याद होगा, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू साइन यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। अब देखो यहां दिख रहा है ना यू स्क्वायर साइन टू थीटा, तो यहां से यू स्क्वायर साइन टू थीटा वैल्यू क्या देगा आर जी देगा ना, तो यहां रख दीजिए एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर जी। देखिए एक जी से जी खत्म हो जाएगा, अब देखिए एक्स टेन थीटा यहां भी है और एक्स टेन थीटा यहां भी है, तो सोचिए कॉमन ले लीजिए क्या इतना आएगा एक्स टेन थीटा, यहां से कितना बचेगा देखिए यहां से बचेगा वन माइनस, यहां से क्या बचेगा एक्स बट्टा आर,
ठीक है, यही क्या बताओ, यही आपका हुआ है। देखिए तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए एक तो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आपका एग्जामिनर जो मैक्सिमम टाइम जो है एग्जामिनर इसी फॉर्म पे आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछता है या क्वेश्चन दे देगा डायरेक्ट, ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट यही दे देगा, ठीक है, और आपसे बहुत से प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, तो अब वो घबराना नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ से किस प्रकार से देख लें ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, इसी बस इसी को हम लोग क्या क्या पता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए सिद्ध हो। ये आर क्या है, रेंज है, क्योंकि हम रेंज का फॉर्मुला यहाँ यूज करके रेंज ले आए, ठीक है, ठीक है। देखिए आप जो है दो फॉर्मुला समझ गए, ठीक है, मेन फॉर्मुला आपको कौन है बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का ये है, तो हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, क्या सही क्वेश्चन इसमें बनता है कि नहीं बनता, आपको एग्जामिनर यही इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, y बराबर लिखा है वो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एटी, ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा लिख दिया है, वाई बराबर लिखा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय एटी लिखा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है क्या पता है, आप जो है रेंज बताइए, यू का मान बताइए और फाइंड, क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड निकालिए u, u मीन्स क्या बताओ, किस वेलोसिटी से हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किए, उसके बाद निकालना आपको रेंज r निकालना है, एक क्वेश्चन निकालना है h का भी मान कितना होगा, h मतलब क्या मैक्सिमम हाइट निकालना है कितना होगा। तो देखिए आपको ये लिखा हुआ है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए इस फॉर्म में वो नहीं लिखा, कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है ना, तो हम लोग क्या किए बताओ, सिर्फ हम यहाँ पर अपना बातों को नहीं रोके, ठीक है, इसको कहाँ ले गए हम, इसको यहाँ पर लेके आए, तो y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बटा आर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, उसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको कंपेयर करके हम बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं। देखो इसका सोल्यूशन देखिए, आपको क्या दिया, देखो आपको दे रखा है y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय एटी, ठीक है, अब देखिए यहां से x आपको कॉमन आ जाएगा, तो जब x कॉमन लोगे तो कितना आएगा, देखो 1 माइनस एक्स बटा एटी बचेगा। अब देखिए इसको इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कंपेयर कीजिए, और जब इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा तो आप क्या फाइंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर x है, उसके बाद देखिए यहाँ कोसाइन तो एक होता है, अब देखिए यहाँ पर क्या है टेन थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसका बताओ टेन थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टेन थीटा का वैल्यू जो है वन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद और देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ, वन माइनस एक्स बाय क्या लिखा हुआ है आर, इसका मतलब आर रेंज, अरे देखिए रेंज तो निकालने की जरूरत ही नहीं, ये जो इक्वेशन खुद का खुद रेंज दे रखा है 80 है ना, तो इसका मतलब यहाँ टेन थीटा का मान अगर एक आ गया तो यहाँ से पहले थीटा का मान आप लोग बता दो, थीटा का मान कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। और देखिए और क्या दे रखा है, ये रेंज दे रखा है, रेंज कितना है बताओ 80, अगर मीटर में होगा तो मीटर में आ जाएगा 80 मीटर। तो मिस क्या हो रहा है, एक चीज गौर कीजिए, आपको सिर्फ ये याद रहेगा, ये याद करना कोई भाई नहीं, क्या हो जाएगा x tan theta इंटू वन माइनस एक्स बाय आर। तो आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन अगर आपको दे रहा है तो आप क्या करो, कंपेयर कर दो, तुरंत क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहां देखिए आपको थीटा पता चल गया, आर पता चल गया, ठीक है, आपको क्या बच गया निकालने के लिए, आपको निकालना है यू निकालना है, और क्या निकालना है बताओ, एस निकालना है, ठीक है। तो अब ये u और h कैसे निकाला जाए, आपको याद है, अब तो देखिए रेंज का फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, तो आपको पता है r बराबर क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय कितना बताओ g, r का मान हम लोग को पता है 80 दिया है, ठीक है, थीटा का मान ऑलरेडी पता है हम लोग को 45 डिग्री, g का मान ऑलरेडी पता है 10 होता है, ठीक है, 9.8 भी होता है, ठीक है, लेकिन हम 10 एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन जल्दी बनने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आर का मान कितना दे रखा है, 80 बराबर u स्क्वायर साइन 90 कैसे, थीटा का मान 45 इंटू टू कितना हो 90 डिग्री, डिवाइड बाय g का मान हो गया आपका 10। अब देखिए आगे क्या करते, इसको मिटा देते हैं, आपको याद हो गया फॉर्मूला क्या है, देखिए अब क्या कर रहे हैं, तो यहां से कितना आएगा, आप गुना करो, यहां से कितना आएगा बताओ, यहां से आएगा आपका 800 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और साइन 90 की वैल्यू कितना देगा, 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से आपका यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, देखिए यू स्क्वायर वैल्यू आ गया 800, तो यू का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 800। अब आप ही बता दो 800 मतलब क्या, 400 गुने बताइए, 400 गुने कितना आएगा, 2 आएगा, इसको लिख सकते हो 400 गुने 2, और 400 कितना निकलेगा 20, तो कितना आ जाएगा तो यहां से आ जाएगा 20√2। अब ये है क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब देख रहे हो कुछ नहीं करना है, बस आपको इक्वेशन याद रखना है, तुरंत धराधर सब बनते जाएगा, ठीक है। एस आर तो सीधे दिख रहा था, उसके बाद यू भी निकल गया, थीटा भी निकल गया, अब बच क्या गया है, एच निकालना है आपको, एच का भी फॉर्मूला याद ही जरूर होगा, ठीक है। एच कौन है बताओ, मैक्सिमम हाइट, ये होता है कितना है, ये होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g।
अब देखिए यू का मान ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो यू स्क्वायर, तो यू का मान स्क्वायर का मान कितना है, इसका स्क्वायर यानी इसका यानी 800 आ जाएगा। देखो 800 गुने साइन 45, साइन 45 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, और साइन 45 का कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10। अब क्या कर जल्दी फाइंड कर लो, 800 × 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा 2 × 2 × 10, 1 से 1 कट जाएगा, देखिए 2 × 2 = 4, 4 से काटिएगा तो 4 × 2 = 8 यानी कितना आएगा 20, यानी कितना आएगा बताओ 20 मीटर। तो देखिए हम क्या किए, सिंपल सी बात क्या है, देखिए बहुत ही सिंपल था। आप क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना समझ गए क्या होगा, एक फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का ये है, लेकिन इसी का एक सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था बताओ, तुरंत तो लिखे थे क्या, एक्स टेन थीटा इंटू 1 − x/r था ना, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या था एक्स टेन थीटा इंटू 1 − x/r क्या था बताओ आर। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है, कैसे निकला आप ये भी देख लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको इस रूप में लिखने की कोशिश करो, अब बाकी कुछ नहीं करना है, आसानी से बन जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अगर आप पहुँच ही गए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उसका जो है हम आपको आपके लिए जो है सेपरेट वीडियो जरूर बना देंगे, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।